बलूचिस्तान वॉलीबॉल एसोसिएशन के जेर एहतमाम पहला ऑल बलूचिस्तान इंटर कॉलेज वुमेन वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच सरदार हसन मूसा कॉलेज और फिजिकल कॉलेज के माबेन खेला गया। सरदार हसन मूसा गर्ल्स डिग्री कॉलेज ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चैंपियन बनने का एजाज अपने नाम किया। अपने टीचर्स, स्कूल के कॉलेज के टीचर्स और अपने सर का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमें भरपूर सपोर्ट किया। हर फील्ड में जो हर खेलने में हर चीज़ में लड़कियों को आगे होना जरूरी है। इस मौके पर मेहमान खसूसी पार्लिमानी सेक्रेटरी बगाए एस एंड जी ए डी बुशरा गेंद ने क्वेटा में पहली बार इंटर कॉलेज वुमेन वॉलीबॉल टूर्नामेंट के इनेकाद पर मुतंसमीन की काविशों को सराहा और बच्चियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि नौजवानों को तालीम के साथ साथ निसाबी सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना चाहिए। इस तरह की टूर्नामेंट्स करवाना और उसमें इनको इंगेज करना मेरा ख्याल है रिमार्केबल है और इसमें मैंने क्रेडिट देती हूँ बिलाल भाई को जिन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया और बच्चियों को स्पेशली जो है कॉलेजेस से सेलेक्ट करके यहाँ पर बहुत अच्छा वॉलीबॉल टूर्नामेंट करवाया। बलूचिस्तान वॉलीबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन सरदार मोहम्मद खान ने कहा कि हमारी कोशिश है मर्दों के साथ साथ खवातीन को भी प्लेटफॉर्म फराहम करें ताकि वो अपने शौक के साथ अपने टैलेंट का मुजाहरा कर सकें। 8 टीमें एक टूर्नामेंट में शिरकत करती हैं तो कितनी तादाद में लड़कियों ने इसमें हिस्सा लिया होगा, कितना इंटरेस्ट दिखाया होगा। तो अभी बलूचिस्तान में वो तासुर खत्म हो रहा है कि लड़कियां आगे नहीं आ रही हैं, माशाल्लाह लड़कियां आगे आ रही हैं और बहुत अच्छा खेल रही हैं। आखिर में मेहमान खसूसी ने खिलाड़ियों में मेडल्स और ट्रॉफी तकसीम की। महक शाहिद, क्वेटा।